बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस मॉडल की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनिपुलेट अ डेटाबेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, लेकिन आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है, ऐसे ही डेटाबेस सिस्टम में तमाम डेटा रखा हुआ होता है, लेकिन उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दोस्तों, DBMS सिर्फ डेटाबेस को ही मैनेज नहीं करता, बल्कि जो भी यूजर उस डेटाबेस में रखे डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है, तो उस ऑपरेशन को भी परफॉर्म करवाना DBMS का ही काम है। इसीलिए वी कैन से कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। के यूजर अगर डेटाबेस में रखे किसी डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी DBMS की है कि वो यूजर को उस डेटाबेस से इंटरैक्ट करवाए। और दोस्तों, DBMS को सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एस इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम लार्ज एप्लीकेशंस टू PC बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यानी क्योंकि अब DBMS को सबसे ज्यादा मौसर वे समझा जाता है डेटा स्टोरेज के हवाले से, इसीलिए इसको लार्ज कंप्यूटर और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर्स यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस तक में यूज किया जाता है। और ओरेकल, MS एक्सेस और DBase वगैरह को बेहतरीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई कि DBMS होता क्या है। अब आइए जानते हैं कि इसको इतना ज्यादा यूज क्यों किया जा रहा है, इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अ DBMS फंक्शंस एफिशिएंटली गिवन द करंट कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी दोस्तों, DBMS का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइलिंग सिस्टम पर काम कर रही थी और अब वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आना चाह रही है, तो DBMS को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए उन्हें किसी न्यू हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। ये इसका एक पॉइंट देखिए, इट शुड नॉट रिक्वायर अ यूजर टू ऐड एक्सपेंसिव हार्डवेयर। यानी DBMS को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए ना ही किसी महंगे हार्डवेयर की जरूरत है कि मिसाल के तौर पर माइक्रोप्रोसेसर अच्छा होगा या रैम ज्यादा होगी तभी DBMS इंस्टॉल होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि इसको रन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की या बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वी कैन से कि ये आपके PC की करंट रिसोर्सेज में भी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है स्पीड। दोस्तों, DBMS को यूज करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इसकी स्पीड। क्योंकि दोस्तों, DBMS के जरिए आप टेबल का नाम लिखते हैं, रिकॉर्ड नंबर बताते हैं और फौरन आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए वी कैन से कि DBMS स्पीड के लिहाज से, यानी फाइलिंग सिस्टम को अगर हम देखें और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसके बाद है कंपैटिबिलिटी। दोस्तों, कंपैटिबिलिटी से मुराद है कि मिलकर काम करने की सलाहियत। तो ये इसका पॉइंट देखिए, अ DBMS इंटरफेस स्मूथली वर्क विद एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इफ इट इज टू बी इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यानी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करते हैं और वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर उसको उस कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका उस DBMS की वजह से आपको कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ रहा है या हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ रहा है या फिर डेटा को बार बार री एंटर करना पड़ रहा है, तो दिस मीन्स कि वो DBMS आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। और दोस्तों, कंपैटिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है शेयरेबिलिटी। दोस्तों, शेयरेबिलिटी से मुराद है कि शेयर करने की एबिलिटी। और ये इसका पॉइंट देखिए, ड्यू टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्रोसेस
must be able to use the same actual data virtually at the same time. दोस्तों ये बात आप जानते हैं कि डेटाबेस एक शेयर्ड रिसोर्स है. इसका मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम इसमें रखा डेटा मल्टीपल पीपल शेयर कर सकते हैं, एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं. यानी दोस्तों इससे मुराद ये है कि एक बार आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया, अब जितने लोग चाहें और जितनी बार चाहें उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. यानी आपका काम सिर्फ एक बार डेटा को स्टोर करना है, फिर उस डेटा को शेयर करना, मेंटेन करना, सब डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए वी कैन से कि डीबीएमएस की वजह से डेटा शेयरेबिलिटी का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. इसके अलावा अवेलेबिलिटी, दोस्तों अवेलेबिलिटी से मुराद है कि डेटा का हर वक्त मौजूद होना, जब यूजर को उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो. और ये इसका पॉइंट देखिए, बोथ द डेटा एंड द डीबीएमएस व्हिच डिलीवर्स द डेटा मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू द यूजर. यानी दोस्तों जो डेटा डेटाबेस में रखा हुआ है वो यूजर को हर वक्त एक्सेसिबल हो, यूजर जब चाहे उस डेटा को रिट्रीव कर सके, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहे तो वो भी कर सके. तो ये किसी भी डीबीएमएस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि डेटा का 24 घंटे यानी 24 आवर अवेलेबल हो यूजर्स को. और डेटा को यूज करने के लिए यूजर्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए. इसके बाद है इवॉल्वेबिलिटी. दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि वक्त के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन या तो ग्रो करती है या फिर उसकी ग्रोथ में कमी आती है. तो ऐसी सिचुएशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट हो सके. और दोस्तों इसीलिए इसका ये पॉइंट देखिए, द एबिलिटी ऑफ डीबीएमएस टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग यूजर नीड्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. यानी एक डीबीएमएस बेहतरीन डीबीएमएस तब कंसीडर किया जाता है जब वो यूजर की नीड्स के मुताबिक काम करे. तो अगर डेटाबेस को एक बार बनाने के बाद उसमें अपडेशन करना चाहता है यूजर, या कुछ डिलीशन करना चाहता है, या फिर यूजर अपने कंप्यूटर में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, तो डीबीएमएस इन तमाम चेंजेस को इजिली हैंडल कर सके. ये टर्म कहलाती है इवॉल्वेबिलिटी. इसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी. दोस्तों इन डेटा इंटीग्रिटी द डेटा इज मोर कंसिस्टेंट. यानी दोस्तों एक डेटा तब कंसिस्टेंट माना जाता है जब ना ही उसमें कोई एरर हो, कोई गलती हो, और ना ही आपका डेटा इनकम्प्लीट हो. जबकि फाइलिंग सिस्टम में हमारे डेटा में गलती के चांसेस भी होते थे कि अगर आपने डेटा को लिखते वक्त कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो कोई चेक करने वाला नहीं, और फाइल सिस्टम में डेटा अगर इनकम्प्लीट हो तब भी कोई पूछने वाला नहीं. मान ले आपने एक फॉर्म फिल किया और एड्रेस लिखना भूल गए, और जिस तरह आपने गलती से एड्रेस लिखना भूल गए ऐसे ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट गलती से चेक करना भूल गया. लेकिन इसके नतीजे में आपका डाटा तो इनकम्प्लीट स्टोर हुआ. यानी फाइल सिस्टम में डाटा में ना सिर्फ एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं बल्कि डाटा इनकम्प्लीशन के चांसेस भी होते हैं. जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई यूजर एक फॉर्म के जरिए डाटा को फिल कर रहा है और फॉर्म में वो किसी फील्ड में डेटा लिखना भूल गया है, तो वहां आप चेक इन लगा सकते हैं कि जब तक के तमाम फील्ड्स पूरी फिल नहीं होंगी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा. यानी इन डेटाबेस डेटा इज कंप्लीट. और इसी तरह दोस्तों अपने डेटा को एरर फ्री करने के लिए आप हर एक फील्ड पर भी चेक इन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा ना सिर्फ कंप्लीट होगा बल्कि एरर से भी खाली होगा. तो फाइल सिस्टम के मुकाबले में डेटाबेस सिस्टम में डेटा रखा हुआ डेटा जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है. के बाद है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. दोस्तों वन ऑफ द मेजर कंसर्न अबाउट द डेटाबेसेस इज देयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दे कंटेन. दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम अलग अलग प्लेसेस पर मौजूद डेटा को एक जगह गैदर कर देते हैं. इसकी वजह से मुख्तलिफ प्लेसेस पर मौजूद लोग बआसानी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी छोटी छोटी सब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सिटीज में मौजूद हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत हम एक बड़ा डेटाबेस बना देंगे जिसके जरिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगहों से उस एक जगह रखे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ यूजर का टाइम बचेगा बल्कि डेटा लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि अब कहीं से भी कोई भी यूजर उस एक जगह रखे डेटा को एक्सेस कर सकेगा. लेकिन दोस्तों
इस सिचुएशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है, और वो है डेटा को सिक्योर करना, डेटा को महफूज करने की। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिर्फ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो यूज नहीं करती, बल्कि बैंक भी यूज करते हैं, मिलिट्री भी यूज करती हैं, मेडिकल के इदारे भी यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका डेटा शेयर्ड है तो एक डीबीएमएस की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर यानी ऐसे यूजर्स से बचा सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ पासवर्ड्स के जरिए डेटाबेस को सिक्योर और प्राइवेट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि डेटाबेस सिस्टम को जो है वो क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।